CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2। सबक शायर शाद अजीमाबादी। तारुफ शायर शाद अजीमाबादी। पैदाइश 1846, वफात 1927। अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद पटना में पैदा हुए। घर पर अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेजी भी पढ़ी। उलूमे इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का मुताला भी किया। नसरो नज़्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ अपनी यादगार छोड़ी हैं। शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 में नगमे इल्हाम के नाम से शाया हुआ। बाद में उनकी खुदनविश्त और मुतादिद मजमूए मंजरे आम पर आए। शाद ने मसनवी गज़ल कसीदा मरसिया और दूसरे इसनाफ़ सुखन में तबा आजमाई की, लेकिन उनकी शोहरत का असल बायस उनकी सादा मुतरन्नुम और शीरी गज़लें हैं। अब पेश है शाद अजीमाबादी की एक गज़ल। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। ए शौक पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ न खुला। हम में है दिले बेताब निहां, या आप दिले बेताब हैं हम। है दिल में तड़पते जी भर कर, पर जोफ ने मुश्कें कस दी हैं। हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, सीमाब भी वो सीमाब हैं हम। मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है, आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ए अहले ज़माना क़द्र करो, नायाब नहीं कमयाब हैं हम। मुर्गान कफस को फूलों ने ऐशाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। शाद अजीमाबादी। मश्क लफ्ज़ो मानी। नायाब, जिसका पाना मुमकिन ना हो, इंतहाए कीमती। ताबीर मानी तफसीर। हम नफ्सो मुराद बहुत से दोस्त आशना रफीक। निहा छुपा हुआ पोशीदा। पायाब इतना पानी जिसे चलकर पार किया जा सके, उथला पानी कम पानी। कमयाब जो चीज कम पाई जाए। मुर्गान कफस पिंजरे में कैद परिंदे। शादाब हरा भरा सरसब्ज तरोताजा। जोफ कमजोरी। मुश्कें कसना हाथ पीछे की तरफ बांध देना, मुराद बेबसी मजबूरी। सीमाब पारा गौर करने की बात। गजल के तीसरे शेर में शायर ने अपनी बेबसी को उस पारे सीमाप से तशबीह दी है जो आग पर रखे हुए बर्तन में बंद है। मश्क सवालों के जवाब लिखिए। नंबर एक, नायाब हैं हम से शायर की क्या मुराद है? नंबर दो, गजल के पांचवें शेर की वजाहत करते हुए नायाब और कमयाब का फर्क बयान कीजिए। नंबर तीन, हैरत व हसरत के मारे शायर से दरियाए मोहब्बत क्या कहता है? नंबर एक, ये गजल जबानी याद कीजिए। नंबर दो, गजल के काफियों की निशानदही कीजिए। नंबर तीन,
غزل کے ان دو اشعار کی نشاندہی کیجئے جس میں غزل کی ردیف ہم شاعر کے بجائے کسی اور کے لیے استعمال کی گئی ہو۔ نوائے اردو بھاگ دو، پیشکش CIET NCERT، نئی دلی، بھارت۔